हाय एवरीवन, मैं तो नागपाल आज बिगनर्स के लिए कुछ लेकर आई हूँ। बिगनर्स के लिए बेसिकली काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप सिलाइयाँ भी बताइएगा कि किस तरीके से कौन सी किस कैसे यूज़ होती हैं। तो मैं देखिए आपके लिए ये लेकर आई हूँ। ये जो सिलाइयाँ होती है, नंबर्स अलग अलग होते हैं इनके। कोई मोटी होती है, 9 नंबर की सिलाई है देखिए, तो वो जो है थोड़ी मोटी होगी इस तरीके से, और 10 नंबर की सिलाई जो है वो थोड़ी उससे पतली होती है। ये बेसिकली हमारे वूल पे डिपेंड करता है कि हम सिलाई जो है किस तरीके से लगाएंगे। तो एक से लेकर बेसिकली काफ़ी जो है 12 नंबर तक सिलाइयाँ आपकी होती है। बहुत पतली भी होती है और बहुत मोटी भी होती है। बहुत पतली नॉर्मली यूज़ नहीं होती है। ये देखिए 7 नंबर की सिलाई है। अब मैं आपको बता दूँ, जो जनरली नॉर्मली हम जो सिलाई यूज़ करते हैं वो हम 10 नंबर की सिलाई यूज़ करते हैं। और बॉर्डर बनाने के लिए अगर आप चाहें तो 11 या 12 नंबर की सिलाई आप यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर के लिए। लेकिन मैं जनरली नॉर्मली मैं जो है 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर भी बनाती हूँ और ऊपर का भी बनाती हूँ। तो अगर नॉर्मल वूल है तो आप 10 नंबर की सिलाई यूज़ करेंगे। थोड़ी सी मोटी वूल है तो आप 9 नंबर की सिलाई यूज़ करेंगे। और बहुत ज़्यादा मोटी, कभी कभी बहुत थिक वूल्स आ जाती है, जो मैंने एक जैकेट आपको दिखाया था बहुत मोटी वूल का, तो फिर आप 7 या 6 नंबर की जो है सिलाई मोटी वाली यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये जो सिलाई आप देख रहे हैं, ये गले बनाने की सिलाइयाँ नॉर्मली होती है। जो हम वी गला या गोल गला बनाते हैं वो हम इससे बनाते हैं। ये दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है इस तरीके से। तो गोल जो भी सर्कुलर हमें बेसिकली बनाना है, गोल बनाना है, वो हम इससे बना सकते हैं। और आप चाहे तो आप इससे भी बना सकते हैं। वायर वाली नीडल होती हैं ये, आसानी से पहले नहीं मिलती थी बट अब आसानी से मिल जाती है मार्केट में। ये इस तरीके से होती है, इसमें वायर लगा होता है देखिएगा ऐसे। और इससे आप जो भी कोई भी चीज़, अब हम अगर गले से बना हुआ स्वेटर शुरू करते हैं तो हम इसी से बनाते हैं। इस तरीके से आप इन चीज़ों से जो है ऐसी सिलाइयों से बना सकते हैं। जनरली नॉर्मली बार बार बोल रही हूँ, 10 नंबर की सिलाई ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि हम 10 नंबर की सिलाई को नॉर्मल वूल नॉर्मल आती है हमारी, इसलिए हम 10 नंबर की सिलाई ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो 10 नंबर की सिलाई ज़्यादा यूज़ होती है। 10, 9, 9 से लेकर 10, 11, 12, ये 4 सिलाइयाँ ज़्यादा यूज़ होती है। बाकी सिलाइयाँ बहुत कम यूज़ होती हैं। अगर बहुत मोटी वूल है तो बाकी सिलाइयाँ जो है आपकी होती है। अब मैं आपको बता दूँ कि सिलाइयाँ कैसे पकड़नी है। नॉर्मली क्या होता है, इस तरीके से होती हैं ऐसे, तो हम ऐसे पकड़ते हैं। अब पकड़ने का तरीका जो है सबका अलग अलग होता है, तो कौन कैसे पकड़ता है ये अपने अपने तरीके से थोड़ा हो जाता है। बट हाँ, एक जनरल जो तरीका होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम नॉर्मली जो है इस तरीके से सिलाई पकड़ते हैं, और या तो आप इस तरीके से करके ऐसे करिएगा या ऐसे, इस तरीके से सिलाई पकड़ी जाती है। तो ये तो थी आपके लिए सिलाइयों की जानकारी कि सिलाइयाँ कैसी कैसी होती है और किस तरीके से कौन सी यूज़ होती है। पतली नॉर्मल वूल के लिए 10 नंबर की, थोड़ी पतली है और ज़्यादा पतली है तो आप 11 नंबर की लगा सकते हैं, या 12 नंबर बहुत ज़्यादा पतली वूल है तो आप 12 नंबर की भी लगा सकते हैं, और नॉर्मल से थोड़ी मोटी है तो 9 नंबर, उससे और मोटी है तो 8, 7, इस तरीके से जो है आपकी सिलाइयाँ यूज़ होती है। थैंक यू।